हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं सीपीसीटी के दो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं और दोनों लेक्चर ही अपने इनपुट डिवाइस के ऊपर हैं। किसके ऊपर हैं? इनपुट डिवाइस के ऊपर। और जो ये इनपुट डिवाइस होती हैं, मैं आपको 14 प्रकार के इनपुट डिवाइस पढ़ाऊंगा। इसके दो लेक्चर मैंने 10 इनपुट डिवाइस के बारे में पूरा विवरण दे चुका हूँ, ठीक है। अब अपन को क्या पढ़ना है? डिजिटाइजर टेबल पढ़ना है, लाइट पैड पढ़ना है, जॉयस्टिक पढ़ना है और टच स्क्रीन पढ़ना है। इसके अलावा इनपुट डिवाइस में कुछ भी नहीं पूछा जाता सीपीसीटी में, ये सॉलिड चीज है, ठीक। तो अपन एक एक करके क्या करते हैं, डिजिटाइजर टेबल को समझते हैं क्या होता है। सीधा कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट समझना। मैं बोलता हूं कि ये क्या है, एक टेबल है। क्या है ये? एक टेबल है। अब यदि इस टेबल में कुछ लिखा जाता है तो इस टेबल को क्या बोलते हैं? डिजिटाइजर टेबल। इसी को बोलते हैं डिजिटाइजर टेबल, मतलब जिसके ऊपर लिखा जाता है उसको बोला जाता है डिजिटाइजर टेबल, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? डिजिटाइजर टेबल। और जिसके द्वारा लिखा जाता है उसको बोला जाता है लाइट पेन। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लाइट पेन। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिजिटाइजर टेबल द्वारा क्या किया जाता है, तो इसका सीधा आंसर रहेगा कि डिजिटाइजर टेबल के द्वारा सिंपल ड्राइंग किया जाता है और लिखा जाता है। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन का उपयोग डिजिटाइजर टेबल के ऊपर ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। 13वें नंबर में आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का उपयोग क्या किया जाता है? तो जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है गेम खेलने के लिए। किसके लिए? गेम खेलने के लिए। दूसरा, इसका उपयोग किया जाता है समुद्र में सोनार का पता लगाने के लिए। अब ये सोनार होता क्या है? सोनार होता है जो समुद्र के अंदर जहाज चलते हैं उनका मार्ग पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट रहता है कि ये जॉयस्टिक है क्या चीज, तो जॉयस्टिक क्या है? अपनी इनपुट डिवाइस है। चौथी चीज क्या है? जॉयस्टिक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है ये? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इसमें चार कॉन्सेप्ट है। किसमें चार कॉन्सेप्ट है? जॉयस्टिक में। जॉयस्टिक के अपने चार कॉन्सेप्ट निकलते हैं। बात करें अपन टच स्क्रीन की, तो टच स्क्रीन होता क्या है? पहली चीज, टच स्क्रीन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? टच स्क्रीन को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। अब ये पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये पॉइंटिंग डिवाइस है क्या चीज? तो मैं समझाता हूँ आपको क्लियर, ये पॉइंटिंग डिवाइस कहते किसको है। पॉइंट का मतलब होता है POINT, पॉइंट। पॉइंट मतलब होता है एक बिंदु। वह डिवाइस जो एक क्लिक या एक बिंदु में काम करती हो उसे बोलते हैं पॉइंटिंग। जो एक क्लिक या एक बिंदु पर काम करती हो उसको बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे मैं बताता हूँ कितनी पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं। पहला माउस। माउस भी क्या होता है? एक क्लिक में काम करता है। दूसरा होता है अपना जॉयस्टिक, ये भी क्या है? अपना पॉइंटिंग डिवाइस है। तीसरा बात करते हैं टच स्क्रीन। आप अपने मोबाइल में टच करते हो तो ये भी एक क्लिक में काम हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि अपन टच किए किए ऐसा ड्रैग करते हैं तब काम करता है, नहीं, अपन ने क्लिक किया और डायरेक्ट क्या हो जाता है? टच हो जाता है। और अगली आती है अपनी क्या, यहां से अपन को लाइट पेन मिल जाएगा। एक और आता है अपना ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है ये भी देखना। ट्रैक बॉल, यदि मैं बात करता हूं ट्रैक बॉल की, तो ये होते हैं अपना क्या, ये माउस होता है जी, ये होता है अपना माउस। इस तरफ क्या होती है? राइट बटन। इस साइड में होती है अपनी क्या? राइट बटन। इस साइड क्या होती है? लेफ्ट बटन। और ये क्या होती है? अपनी स्क्रॉल बटन। लेकिन ट्रैक बॉल में यहां पर एक सिंपल बॉल लगी होती है। अपर माउस में कर्जर की मूवमेंट स्थिति, कर्जर को अपन कैसे, यदि मैं चाहता हूं कि माउस के द्वारा इस पॉइंटर को मूवमेंट करना है, मूवमेंट का मतलब होता है कर्जर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो अपन सिंपल माउस से क्या करते हैं, माउस को मूवमेंट करेंगे तो कर्जर मूवमेंट होगा। लेकिन ट्रैक बॉल में होता क्या था कि इसमें एक बॉल लगी होती थी, बॉल को यदि इस तरफ मूवमेंट करेंगे तो कर्जर का मूवमेंट इस तरफ होगा, यदि बॉल को राइट साइड मूवमेंट करेंगे तो कर्जर का मूवमेंट किस तरफ होगा, राइट साइड होगा। तो ट्रैक बॉल और माउस में केवल इतना अंतर है कि ट्रैक माउस को मूवमेंट करने से कर्जर का मूवमेंट होता है और ट्रैक बॉल में बॉल को मूवमेंट करने से कर्जर का मूवमेंट होता था।
इसके बाद मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस होती क्या है। इनपुट डिवाइस जो मैं आपको 16 प्रकार का पढ़ाया, जितनी इनपुट डिवाइस मैं 16 प्रकार की बताया, और ये क्या है मेरी पॉइंटिंग डिवाइस है, ये क्या है अपनी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो जो 16 डिवाइस थी अपनी इनपुट, उन्हीं में से निकल के आई है ये 5। ऐसी तो नहीं है कि ये इनपुट डिवाइस के अलावा भी इनमें से कोई 5 डिवाइस हो। तो ये सारी की सारी क्या है, इनपुट भी है और पॉइंटिंग भी है। पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है कि वो एक क्लिक में काम करे, एक टच में काम करे, एक बिंदु में काम करे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है ना। अब हर एक पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट हो सकती है, ये चीज का ध्यान रखना। क्यों हो सकती है, हर एक पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ये जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइस हैं ये सब क्या है, इनपुट तो ही है ना, लेकिन हर एक इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड भी आता है, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है, लेकिन कीबोर्ड एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड एक क्लिक में काम नहीं करता है, ठीक ना, एक बिंदु में काम नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो यदि सत्य असत्य में सीपीसी ने पूछता है कि हर एक पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट हो सकती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, राइट आएगा। क्यों, क्योंकि जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो इन्हीं में से निकल के आई है, कोई अलग नहीं है। और इनपुट डिवाइस में यदि क्वेश्चन आता है कि हर एक इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग हो सकती है, तो इसका आंसर आएगा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आज अपना इनपुट डिवाइस का लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है। आज अपन ने इनपुट डिवाइस के सारे एक एक डिवाइस करके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करे। यदि किसी भी डिवाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज मैंने पूरा इनपुट डिवाइस कंप्लीट करा दिया। जो मैं इनपुट डिवाइस पढ़ाया हूं उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन ना आया है ना आएगा सीपीसीटी में, ठीक ना, क्योंकि मैं भी इतने सारे पेपर दिया हूं, जितने भी आए हैं बस इसी के अंदर से आए हैं, और इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट बनता भी नहीं है। इसके बाद अपन इसके अगले लेक्चर में आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। तो आउटपुट डिवाइस की बात करने से पहले आप आउटपुट डिवाइस का कॉन्सेप्ट समझ लो। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, उस दिन भी बताया था जब इनपुट आउटपुट डिवाइस का लेक्चर स्टार्ट किया था। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर का डेटा, यहाँ पर कोई डेटा है। डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा बोलते किसको है, सबसे बड़ा क्वेश्चन डेटा बोलते किसको है। तो डेटा का मतलब होता है आप ए से लेके जेड तक, जीरो से लेके नाइन तक, या कोई भी सिंबल लगें, या कोई भी इमेज रखें, या कोई भी इमेज दिखें, ये सब क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। ये चीज का ध्यान रखना, मतलब हर वो चीज जो हमें कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर दिखती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, डेटा कहलाती है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस का डेफिनेशन क्या हो रहा था कि कंप्यूटर के अंदर का डेटा जब बाहर भेजा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, आउटपुट डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आउटपुट डेटा कहा जाता है। और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं, उसे बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। तो मेरे तीनों लेक्चर आप एक बार और रिकॉल कर लेना, कहीं भी कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार की भी दिक्कत आती हो तो आप बकायदे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी ये वाली वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।